Richard. Good morning. Once again, now I am interacted to the students of class 10th, basically for the subject social science. और students, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ये history का पहला chapter, the rise of nationalism, हम लोग पढ़ रहे हैं. और इसमें जो पहला topic आता है वो है French Revolution and the idea of nation. यानी पहले के जो वीडियोस में आपने नेशन या नेशनलिज्म देखा, उसकी आइडिया की शुरुआत फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होती है. अगर आप क्लास 9th को याद करें तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1789. फ्रांस में 1789 के बाद लोगों के हाथ में सत्ता आई और आगे उन्होंने निर्णय किया कि अब जो शासन की बागडोर है वो लोगों के हाथ में रहेगी. जो इंपॉर्टेंट थिंग हमें सीखना है वो ये सीखना है कि कौन कौन से ऐसे मेजर्स और टैक्सेस फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने स्टार्ट किए थे जिससे लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा हुई थी. वो चीज बताने के लिए हम एक सब टॉपिक आपके पेज नंबर 5 से चूज करते हैं और वहां पर एक टॉपिक बन जाती है मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द सिटीजंस. कौन कौन से प्रयास किए थे वो देखें तो हमने शुरुआत में लिखा है, पहला जो उन्होंने किया द आइडिया ऑफ ला पैट्री. ला पैट्री मीन्स उन्होंने फ्रांस को फादरलैंड का नाम दिया. एंड ले सिटोएन मीन्स इट वॉज द सिटीजन्स हु वुड हेंसफोर्थ कमांड द रूल ऑफ द नेशन. इट एम्फसाइज द नोशंस ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरी बात, एक जो पहले रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग हुआ करता था उसको रिप्लेस करके एक ट्राइकलर फ्लैग का निर्माण किया गया. अ न्यू फ्लैग ट्राइकलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. तीसरी बात जो हुई, जो स्टेट जनरल का चुनाव था वो अब एक्टिव सिटीजन के द्वारा किया गया. एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन ये हम लोग क्लास 9th में सीख चुके हैं. तो एक्टिव सिटीजन के द्वारा एक स्टेट जनरल का चुनाव किया गया और उसको एक नया नाम दिया गया, वो था नेशनल असेंबली. आगे जो रिवोल्यूशनरीज ने किया दैट वाज न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड ओथ टेकन एंड मार्टियर्स कमोडेटेड एंड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन. और जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी या ड्यूज थे वो अबॉलिश किए गए और उसकी जगह पे एक यूनिफॉर्म वेट और मेजर्स का सिस्टम लागू किया गया पूरे देश के लिए. और जो महत्वपूर्ण बात थी कि जो वहां की क्षेत्रीय भाषाएं थी रीजनल डायलेक्ट्स थे दे वर डिस्करेज्ड, उनको समाप्त किया गया एंड फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन. स्टूडेंट्स, ये बताना बहुत ही आवश्यक है कि आप लोग ये अपनी कॉपी राइट करने के पहले पेज को जरूर से जरूर पढ़ें जिससे आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आएगी. दैट्स ऑल. आगे पेज नंबर 5 का जो दूसरा पैरा है उसका डिक्टेशन अगले वीडियो में.